मेगा ऑक्शन में होने वाले हैं बड़े बड़े धमाके, क्योंकि 10 बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर्स इस बार होंगे बड़ी नीलामी का हिस्सा। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं पहली लिस्ट उन 10 बड़े इंडियन प्लेयर्स की जो ऑक्शन में उतरने वाले हैं, और कारण भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सबसे बड़े नाम के साथ। तो नाम है दोस्तों रोहित द ग्रेट हिटमैन शर्मा। रोहित शर्मा इस बार ऑक्शन का हिस्सा होंगे। हालांकि ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार इस लिस्ट में और आपको रीजन बता देता हूं। रीजन क्लियर है, पिछले बार का आईपीएल में जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से उन्हें कप्तानी से हटाया गया, पंड्या को कप्तान बनाया गया, उसके बाद उनकी चैट लीक हुई, उनकी बातचीत कन्वर्सेशन लीक हुआ अभिषेक नायर केकेआर के जो कोचिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा थे उनके साथ, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए नजर आए कि ये साल उनका अंतिम सीजन रहेगा मुंबई के हवाले से। इंटरनेशनल T20 में संन्यास के बाद रोहित शर्मा ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो IPL खेलते रहेंगे, मुंबई में वो नहीं खेलेंगे, ये भी वो कहते रहे। तो साफ है कि इस बार नियमानुसार उन्हें मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनना पड़ेगा। मेरे हिसाब से टीमें टूट पड़ेंगी इस खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि कप्तानी का विकल्प है, देश का सबसे बड़े बल्लेबाज में से एक इसका नाम है। तो जाहिर है रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनर, ऐसे खिलाड़ी आते नहीं है नीलामी में, और नीलामी के इतिहास में ये शायद पहली बार होगा कि इतना बिग बग इंडियन प्लेयर आएगा, क्योंकि पैसा बड़ा बरसने वाला है। 27-30 करोड़ भी बरस गए ना, तो मुझे हैरानी नहीं होगी मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा के ऊपर। कैप्टन के रूप में कई टीमें इंटरेस्टेड होगी, जैसे RCB हो गई, पंजाब हो गई, तो कई टीमें इंटरेस्टेड रहने वाली है। मेरे हिसाब से अब बिग थंब अप फॉर द भैया रोहित शर्मा लाइक जरूर बनता है इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि ये बैंड बजाने वाला है इस नीलामी की। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम जो कि होगा नीलामी का हिस्सा बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2025 की एक एक अपडेट, चाहे नीलामी हो, चाहे रिटेंशन हो, चाहे शेड्यूल हो, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोस रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भैया कर लो, क्योंकि आपको है 2025 IPL की कसम। 24 घंटे 12 महीने हमारे चैनल पर चलता है भैया IPL का तगड़ा वाला कवरेज। देर मत करो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों दूसरे बड़े नाम इस लिस्ट में है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर इस साल नीलामी का हिस्सा होंगे, पिछली बार भी थे, पिछली बार भी एक्सपेक्टेशन इनसे काफी बड़ी बड़ी थी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इन्हें खरीदा था, लेकिन इंजरी के भी इशू चल रहे हैं, और उस तरह का फॉर्म अब शार्दुल ठाकुर के हवाले से दिख नहीं रहा है जैसा शायद आज से 2 से 3 साल पहले चलता है। कभी कभी कैमियो दे देते हैं, अमूमन बहुत एवरेज रहते हैं। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अगर खिलाड़ियों को रिटेन करेगी तो प्राइमरी रूप से गायकवाड़, दुबे, जडेजा, दीपक चहर, महेंद्र सिंह धोनी, इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर जाएगी चेन्नई की। तो अभी की परिस्थिति में शार्दुल ठाकुर रिटेन नहीं होने वाले और वो नीलामी में जाने वाले। नीलामी में एज ए इंडियन ऑलराउंडर बहुत पैसा इन पर फिर बरसेगा, 8 से 10 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीम कौन सी होगी, देखो यार टीम में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज कोई भी खिलाड़ी पर कोई भी बोली लगाता है, और अभी बहुत सारी डिटेल्स आई नहीं है कौन सी टीम किस पर इंटरेस्टेड है, लेकिन जो कंफर्म न्यूज है शार्दुल ठाकुर नीलामी में जा रहे हैं वो हमने आपको बता दी। दो बड़े नाम रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, दोनों नीलामी में जाएंगे। दोनों की कीमत कॉमेंट बॉक्स में बताओ कितने में बिकेंगे, और दोनों के लिए लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बड़ा नाम नीलामी में जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ पिछले 3 साल से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, ये अंतिम मौका था 2024 में इनके लिए कि ये प्रदर्शन करते, क्योंकि अब आएगी बड़ी नीलामी। रिटेंशन की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली ऋषभ पंत, मुकेश कुमार, खलील अहमद, अक्षर पटेल के ऊपर ज्यादा निगाहें जो है वो बनाए हुए हैं, दैट्स व्हाई पृथ्वी शॉ का पत्ता कट होने वाला है। ऑलरेडी दिल्ली के हवाले से कंफर्मेशन हो चुका है। अब ये होगा काफी रिस्की प्लेयर, वैसे इंडियन बैट्समैन है, लेकिन पृथ्वी शॉ शायद उस रास्ते पर चल गए हैं जहां पर ऑलरेडी पहले भी कई खिलाड़ी चल चुके हैं, जिसमें वो 2-3-4 सीजन खूब चलते थे और उसके बाद ऐसे हो जाते थे कि भैया इनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा एवरेज है। जैसे मनीष पांडे स्टार्टिंग में खूब चलते थे, अब आपको पता है किस तरह का प्रदर्शन है, तो कुछ उसी रास्ते पर पृथ्वी शॉ है। इसलिए बहुत बड़ा पैसा इन पर बरसेगा वो मैं नहीं मानता। मेगा ऑक्शन में कई खिलाड़ी दिखने आएंगे, लेकिन पृथ्वी शॉ एक बड़ा हिंदुस्तानी बल्लेबाज है, तो टीमें एक बैट तो खेलेगी, रिस्क जरूर लेगी। 10 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता कि मुझे हैरानी नहीं होगी कि इन पर बरस जाए तो पृथ्वी शॉ एक बड़ा सितारा रहेगा नीलामी में, बेशक पिछले 3 साल से नहीं चले हो। तो आप बताओ किस टीम में जाएंगे, कितने करोड़ में बिकेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग का। राजस्थान रॉयल्स चाहती तो है कि वो रियान पराग को रिटेन करे, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन के हवाले से बन रही है, राजस्थान रॉयल्स शायद कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सैमसन है, ऑलरेडी उनको जयसवाल को लेना है, युजवेंद्र चहल को लेना है, तो जाहिर है वो भीड़ में शायद थोड़े से पीछे रियान पराग रह जाएंगे। बटलर को भी रिटेन करना है आपको, ट्रेंट बोल्ट को भी अपने साथ रखना है, एंड दैट्स व्हाई रियान पराग शायद वो बस छोड़ देंगे, लेकिन ये अच्छा ही होगा रियान पराग के लिए,
क्योंकि अगर पराग मेगा ऑक्शन में गए ना, जिस तरह का प्रदर्शन पिछले साल था, अब तो कैप्ड खिलाड़ी बन गए, भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं, जिम्बाब्वे सीरीज जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भैया एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 15 करोड़ के आसपास का भी हो सकता है। इंडियन बल्लेबाजों पर खूब पैसा बरसता है मेगा ऑक्शन में, जिसका फायदा पृथ्वी शॉ को भी मिलेगा और रियान पराग को तो खूब मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बड़ी बिडिंग होगी, कितने करोड़ मिलेंगे, किस टीम में बिकेंगे वो आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं, रियान पराग के बाद पांचवा वाला नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डाल दी है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है और 24 घंटे 12 महीने टेलीग्राम पर आईपीएल का कवरेज चलता है। आईपीएल की हर एक छोटी बड़ी बारीक खबरें हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे पहले डल जाती है, इसलिए भैया आईपीएल की फैनगिरी टेलीग्राम चैनल पर जरूर दिखाना। 70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, पांचवा बड़ा नाम है राजस्थान रॉयल्स के ही आवेश खान, पिछले साल ट्रेड होकर आए थे, उससे पहले लखनऊ में खेलते थे। राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेड कराकर लाए थे, 10 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन इस बार रिलीज करना पड़ेगा। रीजन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बड़े प्लेयर्स के पीछे राजस्थान रॉयल्स की टीम जाएगी, सैमसन, जयसवाल, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, बटलर, इनके पीछे राजस्थान रॉयल्स रिटेंशन में जाएगी, ना चाहते हुए भी आवेश खान को छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर मानता हूं कि राजस्थान रॉयल्स शायद नीलामी में इन पर फिर से बोली लगाए या आरटीएम कार्ड का शायद इस्तेमाल करे, लेकिन एज ए पेसर आवेश पर बहुत पैसा बरसने वाला है। तो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था नीलामी में, एक दफा फिर 10 करोड़ के आसपास आवेश खान को इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे पेसर मिलते नहीं है जो कंसिस्टेंट आईपीएल में चल रहे हैं, और ये बंदा पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंट रहा है, तो फायदा तो मिलना है। मध्य प्रदेश से आते आवेश खान के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, छठवां बड़ा नाम इस लिस्ट में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के यश दयाल का। यश दयाल पर इस बार पैसा बरसेगा, जब पिछली बार नीलामी में आए थे आरसीबी की टीम ने लगभग 5 करोड़ रुपए में 2024 से पहले खरीदा था, तो सभी का यह सवाल था कि भैया इतना पैसा क्यों दे दिया, क्योंकि 2023 के तो बहुत बड़े विलन थे यश दयाल, लेकिन 2024 में प्रूव कर दिया यश दयाल ने कि उन्होंने वापसी की है और वो आईपीएल के लिए बने हुए हैं। मेरे हिसाब से एज ए इंडियन पेसर, और जिस तरह से रिसेंटली न्यूज आई थी कि बीसीसीआई ने भी इन्हें पेस बॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, चुनिंदा खिलाड़ियों को ही बीसीसीआई एमआरएफ पेस एकेडमी में पेस बॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देती है, ऐसी परिस्थिति में यश दयाल एक बहुत हैंडसम पैकेज लेकर जाने वाले हैं, और इस साल की नीलामी में आप 10 करोड़ रुपए इजी यश दयाल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल ही इन खिलाड़ियों का है भाई। इंडियन प्लेयर्स ही तो आपको जिताते हैं, अगर आपके पास इंडियन प्लेयर्स होंगे तो ही तो आप आईपीएल का खिताब जीतेंगे। मैं फिर लगातार ये बात बोलता रहा हूं, आपके पास अच्छे विदेशी प्लेयर आपको फाइनल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आईपीएल में जीत की गारंटी है इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 में 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर खेल नहीं सकते और 7 इंडियन प्लेयर आपको खिलाने पड़ते हैं, और यश दयाल उसी खोज का नतीजा है, इनके लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, सातवां बड़ा नाम इस लिस्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद के मयंक अग्रवाल का। पिछले 2 साल काफी कमजोर रहे मयंक अग्रवाल के, लेकिन ये खिलाड़ी बड़ा है, ये इंडियन प्लेयर बड़ा है, क्यों? क्योंकि आईपीएल में कप्तानी का अनुभव भी इसके पास है, आईपीएल के रिकॉर्ड इनके पास अच्छे हैं। बेशक हमने पिछला सीजन हैदराबाद के हवाले से अच्छे से इन्हें चलते हुए देखा नहीं, मोस्टली टाइम ये बाहर बैठे रहे, टेस्ट प्लेयर की इनकी एक मेंटेलिटी और छवि बनी हुई है, वो चीज इनके प्राइस जरूर डाउन करेगी, लेकिन 4-5 करोड़ रुपए इन्हें इजी फिर भी मिलेंगे। फिर बोल रहा हूँ, मेगा ऑक्शन बल्लेबाजों का होता है, इंडियन बल्लेबाजों पर मेगा ऑक्शन में खूब पैसा बरसता है, टीमें खाली हो चुकी होती है, टीमों को खिलाड़ी की जरूरत होती है, और इंडियन प्लेयर के रूप में 7वें नंबर पर मयंक अग्रवाल का नाम आ रहा है, तो क्यों नहीं बिकेंगे भाई, जरूर बिकेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आप बताओ इन्हें कितना मिलेगा, किस टीम में जाएंगे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। आठवां बड़ा नाम है भैया टी नटराजन का, हैदराबाद की टीम इन्हें रिलीज कर सकती है, मेरे हिसाब से शायद करना नहीं चाहिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन में अगर चॉइस की बात आएगी तो मुझे लगता है हैदराबाद भुवनेश्वर कुमार को रिटेन करेगी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ऑलरेडी पैट कमिंस है, हेनरी क्लासन को भी इन्हें रिटेन करना है, ट्रेविस हेड को भी इन्हें रिटेन करना है, अभिषेक शर्मा को भी हैदराबाद को रखकर रखना है, तो टी नटराजन शायद वो बस मिस कर जाएंगे। जिस तरह की परिस्थिति रियान पराग की राजस्थान में होगी, कुछ उसी तरह की टी नटराजन की होने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में, लेकिन जिस तरह का आईपीएल गया था भाई, एक ड्रीम आईपीएल था टी नटराजन के लिए, मुझे लगता है दोस्तों टी नटराजन पर बहुत पैसा बरसने वाला है। अगर मैं पेस बॉलर की बात करूं, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर्सपेक्टिव में टी नटराजन है और आईपीएल में तो खूब है, दैट्स व्हाई 10 करोड़ के आसपास हो गया तो बड़ी बात नहीं होगी नटराजन पर। आप बताओ किस टीम में कितने करोड़ में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों अब नीतीश राणा की, 9वें सबसे बड़े नाम इस लिस्ट में है केकेआर के नीतीश राणा। केकेआर के हवाले से इस बार जीत मिली केकेआर को, लेकिन नीतीश राणा को उतना योगदान नहीं रहा, क्योंकि पूरे सीजन में लगभग आधे मैचेस वो चोट के चलते बाहर बैठे रहे, और रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, सुनील नरीन, इनकी छाव में एक तरह से शेडो में दबकर रह गए नीतीश राणा। हमने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट भी जब देखा तो नीतीश राणा का प्रदर्शन कमजोर ही हुआ है, बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन फिर वही बात है, केकेआर अगर रिटेन नहीं करेगी जो रिपोर्ट्स है तो नीलामी में जाएंगे, और ऐसे इंडियन बैट्समैन नीतीश राणा भी एक चमकते हुए सितारे रहेंगे।
मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बात आप गांठ बांध कर कहीं लिख कर रख लीजिए, मेगा ऑक्शन इंडियन बल्लेबाजों का होता है, नीतीश राणा इंडियन बल्लेबाज है, पैसा बड़ा मिलेगा, किस टीम में जाएंगे, कितने में बताओ आप जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या आरसीबी में जाने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दसवें बड़े नाम इस लिस्ट के हैं केकेआर के ही हर्षित राणा। हर्षित राणा 2024 आईपीएल की खोज थे, जिस तरह की गेंदबाजी तेज गेंदबाजी इन्होंने की थी वो इन्हें भारत का भविष्य बनाती है। लेकिन केकेआर की भी वही प्रॉब्लम है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ेगा, आप चाहकर भी नहीं ले सकते। केकेआर का विनिंग कॉम्बिनेशन, केकेआर तो ये चाहेगी कि मैं सारे प्लेयर वापस ले लूं, लेकिन केकेआर ले नहीं पाएगी, इसलिए नीलामी में भैया हर्षित राणा को जाना पड़ेगा और बहुत पैसे इन पर भी बरसेंगे। ये 10 खिलाड़ी थे दोस्तों जो नीलामी में जाएंगे, 10 बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर्स इस बार की नीलामी में दिखेंगे। इनमें से कौन कितने में बिकेगा, कौन सबसे महंगा बिकेगा, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।